हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सत्तू की कचौरी। इसके लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। आधी चम्मच हमने अजवाइन ली है, 2 चम्मच हमने घी लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है। नमक आपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। इससे हम अपना आटा गूंदेंगे और अभी हम सत्तू की स्टफिंग जो होती है उसके मसाले देख लेते हैं। ये हमने 1 चम्मच मेथी दाना लिया था जो हमने पीस लिया है, 1 चम्मच राई है जो हमने पीस ली है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच सादा नमक है, 1/2 चम्मच काला नमक है, 1 चम्मच सौंफ पाउडर है, 1/2 चम्मच कलौंजी है और ये काली मिर्च और पिसा जीरा, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 नींबू, 1/2 कटोरी प्याज जो बारीक कटी हुई है, 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 हरी मिर्च जो बारीक काट ली है, 1 कप सत्तू का आटा, सत्तू है ये। अभी हम सबसे पहले आटा गूंद कर तैयार करते हैं। आटे में हम अजवाइन डालते हैं, नमक डालेंगे, घी डालेंगे, इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आटा गूंदकर तैयार करेंगे। हमारा आटा गूंद चुका है। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सत्तू का आटा है ये। इसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं हम। लाल मिर्च, हल्दी, पिसी राई, पिसा मेथी दाना, काली मिर्च और जीरा पाउडर पिसा हुआ, कलौंजी, सौंफ पाउडर, काला नमक, सादा नमक और धनिया पाउडर। हमने सारे मसाले मिला दिए, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, सबको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, प्याज, नींबू की जगह आप अमचूर भी ले सकते हैं, 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इसमें सरसों का तेल ही डलता है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कचौरी का। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 चम्मच ज्यादा नहीं डालेंगे, इस तरह से। हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। स्टफिंग इस तरह से होनी चाहिए। अभी 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा भी सेट हुआ है। अभी हम कचौरी बना लेते हैं। इसमें से हम पेड़ा लेंगे छोटा सा, उसको राउंड करेंगे, इस तरह से घेरा करेंगे और इसमें 1.5 चम्मच स्टफिंग भर देंगे, इस तरह से ऊपर से बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा आटा थोड़ा सा हटा देंगे, इसको राउंड कर देंगे इस तरह से। सूखे आटे में इसको कोट करेंगे, इसको थोड़ा सा मेलेंगे। कढ़ाई में हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे पकाना है
इस तरह से हम सारी कचौरियां बना लेंगे। हमारी कचौरी बन करके तैयार है, हम इसे निकाल लेते हैं। इसको आप जब तले तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, इससे हमारी कचौरी कुरकुरी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। आप इसे ट्राई कीजिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।